सब्सक्राइब कीजिए मेरे जेनी एंड जेनी यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर सारे लेटेस्ट यूजफुल अपडेट सबसे पहले जानने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। हाय गाइस, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आई होप कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, दिवाली स्टार्ट होने वाली है और मैंने जो है बहुत कुछ दिवाली के लिए सोच के रखा हुआ है, जैसे कि लाइटिंग का सेटअप और कुछ ड्रेसेस और बहुत कुछ। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम जो है मैंने कुछ चीज़ें परचेज़ की हुई लाइटिंग का, 2-3 सेटअप कुछ इस टाइप्स का, तो वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और भी है कुछ घर को डेकोर करने का वीडियो, वो सब मेरा बाकी है। फिलहाल जो है आज मैं आपको अपने वीडियो में लाइटिंग का जो है सेटअप दिखाने वाली हूँ, और चलिए देखते हैं। तो वीडियो पसंद ज़रूर आएगा तो ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस चलो बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अपनी यही बास्केट दिखाने वाली हूँ जो कि मैंने ऑफलाइन अपने मार्केट से परचेज किया है, और ये 100 रुपीज़ का है। बहुत खूबसूरत है, जिससे मैं लाइटिंग से डेकोर करने वाली हूँ। और मैं आपको अभी लाइट्स ऑन करके इसे दिखाती हूँ कितना ज़्यादा ये प्यारा लगता है। आप देख पा रहे हो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसमें लाइटिंग बड़ी ईजली तरीके से आप लगा सकते हो, और इसे कहीं भी आप टांग सकते हैं, जस्ट लाइक बाहर वाला जो आपका गेट है उसके दरवाजे पर, या ऊपर जो बाहर की छोटी सी बालकनी होती है वहाँ पे। और इसमें लाइटिंग भी आप अलग अलग कलर की भी लगा सकते हैं, मल्टीपल कलर की भी, बट यहाँ पर मैंने जस्ट सिंगल कलर लगाया है। और इसमें जो बल्ब है आप देख पा रहे हैं किस तरीके से रोशनी दे रहा है, और जो बाहर की जो रोशनी आती है वो खुद भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। उसके बाद जो अब इसके ऊपर जो नज़र पड़ती है, इसकी लाइटिंग भी आप देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत है। ऑफ लाइटिंग में है। अब मैं आपको अपना दूसरा दिखा रही हूँ जो कि मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया हुआ है, और इसे आप देख पा रहे हैं कि ये फ़्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किया था, और ये बहुत ज़्यादा स्लो कॉस्ट मुझे पड़ा है। ओनली और ओनली 99 रुपीज़ का है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। और चलिए मैं इसे ओपन करके आपको दिखाती हूँ, बिकॉज़ की पॉलिथीन नहीं है, पेपर्स की है तो बहुत ईजली कट हो जाएगा। ये रहा मेरा कैंडल, तो बहुत प्यारा सा कैंडल है जो कि मुझे 56 कैंडल्स मिले हुए हैं, और ये ओनली इन 99 रुपीज़ में मिला है। बहुत ही प्यारा है। अब हम इसे कहीं भी, मतलब किसी भी चीज़ में रख सकते हैं, जैसे कि नीचे स्टील का लगा हुआ, तो कोई डर नहीं है कि नीचे जलने का या कुछ भी, तो इसे हम बड़ी इजीली कहीं भी ट्राई कर सकते हैं। तो आज मैं अपने इसी बास्केट में इसे ट्राई करूँगी, और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी लाइटिंग इसके अंदर कैसी लग रही है। अब आप देख पा रहे हो, ये देख रहे हो, इसके अंदर ये मैंने जला दिए हैं। फ़िलहाल तो मैंने एक ही जलाया है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे स्पेस है, आप 2-3-4 भी जला सकते हैं। आप देख पा रहे हो कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अगर आप इसे अपने दरवाजे या घर में या नाइट में कैसे भी जलेंगे, काफ़ी लंबा टाइम तक जलने वाला भी है जो इसका कैंडल का है, वो मैं आपको बताऊंगी कितना टाइम तक जलेगा। ये ऑफ, लाइट ऑफ है, मैं आप लाइट ऑन करके दिखाती हूँ कि लाइट ऑन में ये कैसा लग रहा है। गाइस, ये भी मैंने ऑनलाइन नहीं मंगाया, ये भी मैंने ऑफलाइन मंगाया है, और मैं इसके अंदर भी आपको रख के दिखा रही हूँ कि ये कैसा लग रहा है। दिवाली के लिए मैंने इसे भी मंगाया है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है। ये मिट्टी का है, और इसके अंदर आप देख पा रहे हो मैंने लाइटिंग भी जला के दिखा रही हूँ मैं आपको कि कैसा लग रहा है। इसकी लाइटिंग देख रहे हैं कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, कितनी ज़्यादा प्यारी है, आप देख पा रहे हो। कुछ इस तरीके से आप इसे घर में कहीं भी रख सकते हैं, बड़ी इजीली तरीके से आप लाइटिंग इसमें स्विच ऑफ ऑन कर सकते हैं। गाइस, ये है तीसरा, इसे आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे मिट्टी के जो है लटकन लगे हुए हैं, थोड़ा सा चेंज है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसके अंदर लाइटिंग आप देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा नहीं पता चल रहा है, लेकिन ये अभी मैं दूर से दिखाती हूँ, अभी मैं आपको दूर से दिखाती हूँ। और इसमें एक ही प्रॉब्लम है, जो यहाँ पे लटकन बना है वो मिट्टी का बना है, तो आप इसके सपोर्ट से आप कहीं भी इसे टांग नहीं सकते हैं। देख रहे हैं अभी मिट्टी का गोला गोला जो बना है टांगने वाले, मिट्टी का है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है इन्होंने मिट्टी के किस हिसाब से दिया। जब मैंने परचेज किया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इसके अंदर कोई लोखन वगैरह डाला होगा और उसके ऊपर से मिट्टी डाली होगी, लेकिन आई थिंक सो कि ये उसके अंदर नहीं है, इसलिए मुझे डर लग रहा है कि कहीं गिर के टूट ना जाए। बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, तो मैं इसे सेफ से रखूँगी। ये देख रहे हैं आप, ये दोनों कितने ज़्यादा
प्यारे लग रहे हैं दीपावली पे, या हम इसको बाहर रखेंगे अपने दरवाजे से, मेन गेट मेन दरवाजे के बाहर मैं इसे रखने वाली हूँ। और ये वाली तो टांगने वाली हूँ, और इसको वहाँ पे तुलसी माता हमारी है उसके पास में मैं इसको रखने वाली, मिट्टी वाला है क्योंकि इसमें टांग नहीं सकती, मुझे बहुत डर लग रही है कहीं टूट ना जाए इसलिए। तो गाइस बहुत प्यारा लग रहा है, और चलिए अब मैं आपको इसकी लाइटिंग जो है ऑफ़ करके दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। आप देख पा रहे कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, इसका कलर ही इतना नेचुरल कलर है जो कि एक्चुअल में मिट्टी का जो होता है, और बहुत खूबसूरत है। इस तरीके से मिर्ची बनी हुई है, देख रहे हैं आप, और यहाँ पे होल भी दिए हैं इस तरीके से, बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा क्लीन भी है। अब मैं आपको अपने कुछ दिए भी दिखाऊंगी। चलिए हो गया, ये मैंने कुछ दिया लिया हुआ है जो कि मुझे 10 रुपीज़ का एक पड़ा हुआ है, और बहुत ज़्यादा और भी कलरिंग वाले भी थे जो कि 35 रुपीज़ का, 30 रुपीज़ का था, तो मैंने वो कलरिंग वाले नहीं लिए, मैंने बस 10 रुपीज़ में ये सिंगल सिंगल लिया हुआ है। और मैं इसको जो है कलर करके और भी ज़्यादा स्टाइलिश बना सकती हूँ, और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकती हूँ, जैसा कि मैंने वहाँ पर देखा था मार्केट में मिल रहा था दिया जिसके ऊपर कलर लगाए हुए थे, और कलर के बाद उसमें कुछ शाइनिंग वाले जो किरकिरी आती है वो सब किरकिरी वगैरह लगाई गई थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, बट उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा थे गाइस, तो मैं नहीं कर पाती इसलिए मैंने यही लिया है। और ये मैंने बस स्पेशली इतना ही लिया है, और भी मैंने जो सिंपल से दिए आते हैं वो भी मैं ले आऊँगी, बट ये मैं आपको बस दिखा रही हूँ कि जो मुझे अच्छा लग रहा था। और अब देख रहे हैं आप कि मैंने ग्लासेस लिए हैं, ये मुझे सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में मिला है मार्केट, और अरे फ्लिपकार्ट से भी मैंने मंगाया था, बहुत खूबसूरत लग रहा था ये, लेकिन जैसा कि पिक में और भी ज़्यादा लग रहा था खूबसूरत, लेकिन यहाँ पे जो है उतना नहीं अच्छा लग रहा है, बट ये बहुत प्यारा लग रहा है। मैं इसके अंदर है जो लाइटिंग का लाइटिंग सेटअप करने वाली हूँ। तो गाइस आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि